तो फ्रेंड, जब तक आप फिट हो ना तब तक सब ठीक है। अगर फिटनेस नहीं है तो आप अपनी ज़िंदगी का कोई मज़ा नहीं ले सकते हो। आपकी लाइफ में कितना भी सुख सुविधा हो आप उसका आनंद नहीं ले सकते हो, क्योंकि आपके पास फिटनेस ही नहीं है। किसी भी चीज़ को जीने के लिए, किसी चीज़ का एंजॉय लेने के लिए फिटनेस बहुत ज़रूरी है। तो फ्रेंड, फिट रहने के लिए अपनी बिजी लाइफ में थोड़ा सा टाइम निकालो, थोड़ा सा टाइम एटलीस्ट आधे घंटे तो आप निकालो ही निकालो कि फिटनेस के लिए कुछ कर सको, कुछ एक्सरसाइज कर सको, कुछ गेम खेल सको। तो फ्रेंड, आज मैं आपको चेस्ट की एक्सरसाइज बताऊंगा, ऐसी एक्सरसाइज जो आप टोटली घर पे कर सकते हो। कुछ भी ऐसा नहीं है कि जो जिम में जाने की ज़रूरत पड़े, आराम से आप कर सकते हो, कहीं पे भी घर पे कर सकते हो, बाहर कर सकते हो, इक्विपमेंट की कोई ज़रूरत नहीं है। तो चलिए शुरू करते हैं। तो फ्रेंड, सबसे पहले आपको करना क्या है, बर्फ़ी जंप करना है। बर्फ़ी जंप के साथ डिप्स करना है, वो दिखाता हूँ, उससे आपका बॉडी भी वार्म अप हो जाएगा। तो सबसे पहले बर्फ़ी जंप करते हैं। फ्रेंड, उसके बाद आपको करना क्या है, उसके बाद करना है डायमंड डिप्स। डायमंड डिप्स में आपके ग्रिप ऐसे रहेंगे ज़मीन पे, इस तरह। तो ये डिप्स करना है आपको, और याद रहे कम से कम आपको 10 करना है, हर एक्सरसाइज 10। अगर आपकी कैपेसिटी ज़्यादा है तो आप ज़्यादा कर सकते हैं, लेकिन कम से कम तो 10 तो करना ही है। ये हो गई डायमंड डिप्स, ये आपका ग्रिप एकदम क्लोज रहेगा, ये है डायमंड डिप्स। अगला है हिंदू पुशअप, या कुछ लोग जुड़ो पुशअप भी कहते हैं, वो करना है। मैं दिखाता हूँ कैसे होगा, वो देखिएगा। When you ring my valentine, sunny day evening, my dream come true. 행복한 너 그리고 나 우릴 비추고, with you by my side. 이 호기야, 힌두 야 주로 복잡. 이 앞으로 가는 step. तो फ्रेंड, उसके बाद क्या करना है, हमें करना है मॉडिफाई पुशअप कहते हैं इसे, जैसे घुटनों को ऊपर रहना है और उसके बाद डिप्स करना है। फ्रेंड, उसके बाद क्या करना है आपको, क्रॉस में अपने हाथों को ऐसे रखना है, ऐसे एक हाथ आगे रहेगा एक हाथ पीछे रहेगा, ऐसे ग्रिप रखना है आपको, ग्रिप पोजीशन ये रहेगा। उसके बाद डिप्स करना है, 1, 2, 3, 4 एंड 5। उसके बाद ग्रिप चेंज करना है, 5 दूसरे डायरेक्शन में करना है, दूसरे हैंड से करना है। जो हाथ पीछे था वो आगे हो जाएगा, आगे वाला पीछे हो जाएगा, उसमें 5 टाइम्स अगेन करना है। तो फ्रेंड, इतना होने के बाद आपको करना है नॉर्मल डिप्स, जो हम करते हैं, सब जानते हैं। ग्रिप ऐसे रहेगी पूरी सिंपल में, और उसके बाद डिप्स करना है 10 टाइम। ये 10 हो गया। 10 होने के बाद आपको होल्ड करना है, और पोजीशन आपको बिगाड़नी नहीं है अपने हाथों की, और अपने कमर की पोजीशन बिगाड़नी नहीं है, उस पर 10 सेकेंड होल्ड करना है। तो आपको, आपने बॉडी पोजीशन देख लिया कैसे था, वैसे आपको 10 सेकेंड होल्ड करना है। तो फ्रेंड, बताता हूँ इसके बाद क्या करना है आपको, डिप्स करना है ओपन हैंड में, आपके ग्रिप हैं जो खुले रहेंगे इसे। और ये बहुत ही मस्त एक्सरसाइज है, ये आपका जो गड्ढा होता है यहाँ का चेस्ट के बीच में, जो दबा हुआ भाग रहता है, उसको बहुत अच्छी तरह बनाता है, मस्त लगता है उससे, हमारा जो बॉडी का शेप है ना बहुत अच्छा लगता है। तो दिखाता हूँ कैसे करना है आपको, अपने हाथों को ऐसे रखना है पूरा ओपन करके, फिर उसके बाद डिप्स करना है। Because
तो फ्रेंड इसके बाद क्या करना है, आपको डिक्लाइन डिप्स करना है। आपका बॉडी जो है, आपका लोअर बॉडी जो है ऊपर की तरफ रहेगा और आपका जो हाथ है सरफेस लेवल पर रहेगा, मतलब कि आपका हाथ जो है ज़मीन पर रहेगा तो पैर आपको ऊपर रहेगा। इस पोजिशन में आपको डिप्स करना है, तो दिखाता हूँ मैं। तो फ्रेंड उसके बाद क्या करना है, आपको बेंच डिप्स करना है। आपको हाथ जो है बेंच पर रहेंगे ऐसे, दोनों हाथ वो डिप्स करना है। आप दिखाता हूँ, तो फ्रेंड ये जो थोड़ी सी एक्सरसाइज मैंने बताई, ये चेस्ट के लिए बहुत ही अच्छी एक्सरसाइज है। इसे करके आप अपने चेस्ट का मसल्स बना सकते हैं, चेस्ट को अच्छे शेप में ला सकते हैं। तो फ्रेंड इसी के साथ जाने से पहले मैं बस इतना ही कहूँगा कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, और हाँ जो स्पोर्ट्स मैन है यार वो लोग तो कर ही लेना यार, क्योंकि मैं स्पोर्ट्स से रिलेटेड वीडियो बनाता हूँ। तो इसी के साथ थैंक यू।